बातों का सिलसिला दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ फाइनली अंशुमन मिश्रा ज्वाइंट हो चुके हैं एंड इनसे ढेर सारी यहाँ बातचीत होगी। अंशुमन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कल आपके आने वाले गाने के लिए। भैया, खबर लगी है, पोस्टर हमने देख लिया है कि सुपरस्टार अक्षरा सिंह जी के साथ आपका बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग अक्षरा फिल्म से कल रिलीज होने वाला है, तो कितने ज्यादा एक्साइटेड है? शुरुआत यहीं से। सबसे पहले तो हार्दिक आभार। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बताऊँ, ये मेरी अक्षर अभी मेरी छठ की आवृत्ति है, पहले रिलीज हुई है, लेकिन पहली फिल्म भोजपुरी मेरी यही है, मतलब अक्षरा ही है। और उसमें ये गाना बहुत प्यारा है। और अक्षरा मतलब शूटिंग के टाइम पे भी आपको बताऊँ, अक्षरा क्या फ्लॉलेस थी, सो ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल। और कभी कभी तो शूट करते मैं उनको देखने लगता था कि अरे यार कैसे। तो आई एम एक्साइटेड टू सी दिस। हाँ हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल दोस्तों, अंशुमन बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, लड़कियों को भी। कमेंट्स देखिए, पीहू लगातार कहे जा रही है अंशुमन कैसे हैं, सिया लगातार बनी हुई है, रिया भी बनी, काफी लोग अंशुमन आपको बहुत ज्यादा किस तरह से अभिवादन करेंगे। मैं सबको तो पहले हार्दिक आभार, बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत मायने रखता है आप लोग का प्यार मिलना। सिया जी को तो मैं बहुत, सिया जी आपका, आपको मैं बहुत, मैं देखता हूँ आपके अपडेट्स स्मृति जी के पेज पे, तो सिया जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ट्विंकल छठ के बरतिया पे, अरे शुक्रिया ट्विंकल, शुक्रिया। क्या हाँ, और बात है। तो पीयूष, दोस्तों, इस समय हमारे साथ में जो है अंशुमन है, बात कर रहे हैं लगातार। अनारा गुप्ता जी लाइव पर ज्वाइन हुई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही साथ शुरुआत से अंशुमन आपको बताएं कि तीसरी चौथी बार लाइव शुरू करा है, मेरी फेवरेट अभिनेत्री हैं रीना रानी जी, लगातार रीना आपको दीदी, सुनने के अरे लिए रीना देखने के दीदी, लिए। रीना दीदी प्रणाम प्रणाम। रीना दीदी बहुत खास है मेरे लिए, मुंबई में रक्षाबंधन का होना रीना दीदी से है, तो रीना दीदी प्रणाम। कहाँ नहीं, चल रहा बिल्कुल, हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। तो मिला जुला करके जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि लोग आपको काफी प्यार कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या है कि हम बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अंशुमन, कुछ बताइए अपने बारे में। सुना है कि आप जो है एक सुप्रख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के पद पर विराजमान है, तो कैसे अचानक से आपका इस तरफ झुकाव हो गया? क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से? एक बहुत पुरानी कविता है, आप थोड़ा सा मूड अलग है, लेकिन एक है कि खून हमारा खौलता है बरसों से, आप कहते हैं छड़ी उत्तेजना है। तो ये एक दिन का नहीं है, ये क्या है, जब आप हमेशा से बचपन से ही आप मेरे शुरू से नाटक को लेके, एक्टिंग को लेके हमेशा से रुझान रहा। मैं अपने कॉलेज वॉलेज में भी अच्छा, थिएटर विंग का वीपी था मैं। जब नौकरी में था तो मैं गुड़गांव में, मैं थिएटर ग्रुप था हमारा, एक MGR ग्रुप था, फिर मैंने महेश सर को भी ज्वाइन किया। तो थिएटर हमेशा से प्ले करते रहा, नाटक करते रहा, कविताएं लिखते रहा। तो मेरी कविताओं ने मेरे अंदर की उसको, एक जो इमोशनल और क्रिएटिव पार्ट है उसको बहुत सहेज के रखा है। उसके बाद ऑब्वियसली आप जब नाटक करते हो, आप प्ले करते हो, रंगमंच से जुड़े होते हो, तो आप एक अलग जोन में आ जाते हो। तो हाँ, अचानक से फिल्मों से जुड़ना, क्योंकि इसकी भी एक लंबी कहानी है, मतलब एक कहानी है, मैं आपको बताइए बताइए, बताऊं। हमें फुर्सत मिली। मेरे गांव में, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जब हम छोटे थे तो एक एक्टर थे, वो मुंबई आके ट्राई करते थे, सब लोग उनको बोलते थे हिरुआ, कि हिरुआ बॉम्बे रहला। और हिरुआ बहुत अच्छा डांस करते थे, एकदम बड़ा बड़ा बाल और आके ओ जाने जाना पे डांस और ये वो। लेकिन उन्होंने क्या किया, गांव अपने पिताजी की बहुत जमीनें बिकवा दी और बहुत गलत चीजों में शायद पड़ गए। तो एक हमारे दिमाग में हो गया कि बॉम्बे जाए ना, वो बर्बादे जो हुई बॉम्बे बर्बाद हुई, जमीन बेचवा देला बॉम्बे। तो एक कभी कभी बहुत जरूरी होता है आपके आसपास एक अच्छे एग्जाम्पल होना। तो मेरे आसपास जो एग्जाम्पल आया वो बहुत खराब आया। तो जब मैं BHU में पढ़ता था ग्रेजुएशन में, तो मेरा एक एक्सपो में बहुत बड़े बड़े फोटो लगे। उस टाइम पे जो मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया जो ग्रेसिन थे और मिस यूपी थी, उन लोगों ने मुझे बोला कि बॉम्बे आओ। तो मैंने तब भी बोला था कि बॉम्बे जमीन बेचवा देला हम ना जाए। तो एक पता नहीं होल्ड बैक हो गया उस टाइम पे, लेकिन बाद में वही पंकज भैया का आना एक आपको देता है कि नहीं यार बॉम्बे जाया जा सकता है। तो नाटक से जुड़ाव रहा, एक्टिंग से जुड़ाव रहा, हाँ फिल्मों में आना थोड़ा देर से हुआ, लेकिन हाँ वही अभिग्रस्त हुआ।
बिल्कुल, और अच्छा ही हो गया कि आप जैसा एक सुंदर चॉकलेटी बॉय हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को और एक मिल गया है। अंशुमन, मैं जहां तक जानता हूं आपके बारे में, बिहार से हैं आप, गोपालगंज से हैं ना? जी, मिश्र मित्रा एक गांव है। ओके। और जो आपका पर्सनालिटी में देख पा रहा हूँ, जो फिजिक्स में देख पा रहा हूँ, व्हाई भोजपुरी, व्हाई नॉट टीवी इंडस्ट्री, क्यों नहीं बॉलीवुड? देखिए टीवी बॉलीवुड तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है बॉलीवुड के मतलब ऑब्वियसली बहुत प्रेम है बहुत बॉलीवुड से बहुत मेरा बहुत अच्छा ग्रुप है अच्छे एक अच्छा कोई मिला मुझे जहाँ मुझे लगे कि मैं वर्थ हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि एक रोल करने के लिए नहीं करना है जहाँ लगे आप वर्थ हो तो बिल्कुल ऑब्वियसली क्यों नहीं करूंगा हिंदी। और जहां तक लुक की बात है मुझे ये भी चेंज करना है हम लोग हम ही तो भोजपुरी हैं मैं ही गोपालगंज हूँ मैं ही मिश्र बत रहा हूँ तो क्यों अच्छे मतलब अगर मेरे अच्छा सेंस जो मेरा लुक है मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ जो मेरा लुक है वो हम ही भोजपुरी है हम भोजपुरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा हम ही ना भोजपुरी हैं हम ही करें के बिल्कुल, हमने न करा तो के करे। करी बिल्कुल अंशुमन, लेकिन रियलिटी तो ये है कि काफी लकी भी हैं आप, क्योंकि कई ऐसे, मैं नाम जानता हूं, मुझे कई ऐसे कॉल्स आते हैं जो रोजाना ही काम ढूंढ रहे हैं। आप लकी हैं और टैलेंटेड हैं, शायद ये वजह भी रही है कि आपको दो बड़ी फिल्में मिली, एक तरफ सुपरस्टार अक्षरा सिंह जी के साथ, दूसरी तरफ स्मृति सिन्हा जी के साथ छठ की भरतिया। तो आसान रहा या इजीली मिल गया, या इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है गुरु, ये दोनों बड़ी फिल्मों के हीरो बनना। नहीं, ये वही बात है जो सिनेमा जैसे फिल्म में देखिए एक फिल्म बनती है और उसके पीछे कितने लोगों का मेहनत जुड़ा रहता है जो बैकग्राउंड है ना जो नाटक में भी जो ग्रीन रूम में जो रिहर्सल जो ग्रीन रूम में चीजें होती हैं वो दिखता नहीं है जो सामने वो दिखता है तो जो पीछे का मेहनत है मुझे पता है मेरे जानने वालों को पता है कि कितना स्ट्रगल है कितनी मुश्किलें हैं। लेकिन हाँ फिल्म भोजपुरी फिल्मों में मैं क्रेडिट दूंगा अक्षरा जी को क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला कि करेंगे क्या और उन्होंने देव पांडे जी से मिलवाया और फिर हमने अक्षरा करी और उसी के काम देख के और देव भैया का कन्हैया जी और कुलदीप भैया रत्नाकर जी सब लोगों का वो फिल्म देख के एक भरोसा आता है साथ में जुड़ के तो उन्होंने फिर दूसरी फिल्म वही टीम है वही प्रोडक्शन है रत्नाकर जी की ही है तो सेम उन लोगों ने मुझे दूसरी फिल्म ऑफर करी तो एक हिम्मत भी बढ़ता है एक फिल्म मिलना और फिल्म में काम को देख के दूसरा फिल्म मिलना ये दोनों में बहुत अंतर है तो बिल्कुल, बिल्कुल छठ के भरतिया रिलीज हो गई है और जिस तरीके से उसका वर्ल्ड प्रीमियर भी हुआ और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद करा, अक्षरा अभी रिलीज होनी बाकी है, ठीक है? तो क्या कुछ बदलाव आया पहली फिल्म के बाद, लोग पहचानने लगे आपको? हाँ पहचानना अच्छा लगता है पहचानना सेंस की। अब जब मैं आपको एक बात बताऊं मैं गांव तक मैं अपने घर में आसपास में आप जाइए तो मेरे मतलब मेरे भाई एग्जांपल मान लीजिए यूपीएससी और इसका वाला तो अधिकारी है तो कई बार होता है ना अच्छा आप उनके अपना बाबू के भाई हैं ऐसा लेकिन इस बार आप जाओ तो लोग आके आपसे फोटो खिंचवा रहे हैं लाइन से मतलब बहुत लोग आ रहे हैं अच्छे खासे लोग आ रहे हैं तो एक अपना खुद का एक पहचान होना किसको अच्छा नहीं लगेगा। आप हम जब पढ़ाई करते हैं साइकोलॉजी का ह्यूमन बिहेवियर का तो भी आप देखेंगे जो ग्राउंड पे होता है रोटी कपड़ा मकान के लिए आदमी लड़ता है फिर सुरक्षा के लिए लड़ता है तब आता है सोशल एस्टीम जहां आप सामाजिक उसके लिए लड़ते हैं और समाज में जब आपको पहचान मिले कुछ लोग आपसे आके पूछे कि कैसे करना है आपसे प्रेरणा ले वो और बेहतर करने जो मैं अभी बोल रहा था शुरू में कि हीरोवा बॉम्बे गई तो जमीन बेचा गई। अब मेरे गांव में एक एग्जांपल होगा कि नहीं यार अंशु भैया भी हीरो हुआ वो यही जैसे पढ़ के ये पंचायत उच्च विद्यालय मिश्र तरह से पढ़ के वो जगह ही बढ़े ना तो हम जा पर एक आप जब प्रेरणा बन जाते हो आपसे कुछ लोग भी अगर आप साहस लेते हैं सीखते हैं सामाजिक तौर पे आप एक रेलिवेंट होते हैं तो अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंशुमन, छठ के भरतिया के काफी सॉन्ग्स हमने देखे और फिल्म में भी काफी सीन्स हमने देखे। रोमांस जो है स्मृति सिन्हा जी से होते होते रह गया, नहीं देख पाए हम। जी अब जी अक्षरा सिंह जी के साथ कल जो गाना आ रहा है, पोस्टर ही देखकर लगता है कि कुछ सीन्स आप दोनों में जो रोमांटिक केमिस्ट्री बनी होगी वो देखने को मिलेगा। तो सवाल मेरा ये है कि प्रोफेशनली आप कहीं के मैनेजर हैं,
और परिवार जो है आप पर काफी फिक्र करता होगा, यही वजह है कि आप वर्किंग है, ठीक है? तो क्या कुछ बदलाव आया घर में, लोगों ने क्या कुछ कहा जब छटके बरतिया रिलीज हुई? अब कल एक और गाना रिलीज होगा, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो बहुत तो प्राउड होगा ना, बिल्कुल प्राउड होगा। और घर वालों को चूंकि पता है कि इसके लिए मैं, देखिए बॉम्बे में रह के कॉरपोरेट में नौकरी करना, लोग बोलते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल में कैसे मैच कर पाओगे, तो दो चीजों को बैलेंस करना अपने आप में चैलेंजिंग है। वो सब रखते हुए जब आप अपने शौक को, अपने ड्रीम को फॉलो करते हो और वहां भी आप हासिल करते हो, और तीन चीज अभी हो गया ना, आप परिवार भी देख रहे हो, आप नौकरी भी देख रहे हो, और नौकरी क्या है ना, आपको कुशन देता है। नौकरी करने से एक मुझे अच्छा ये है कि मुझे कुछ भी नहीं कर लेना है, मुझे ऐसा ही चीज करना है जो करके मुझे अच्छा लगे, मुझे ऐसा कुछ करना है जो मेरे घर वाले साथ बैठ के देखें, जहाँ किसी को ऑकवर्डनेस ना हो। क्योंकि देखिए हम लोग बिहार से बाहर रहे हैं ना, तमिलनाडु रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है कि भोजपुरी को अपलिफ्ट करना है, भोजपुरी सिनेमा को अपलिफ्ट, मतलब क्वालिटी की बात नहीं है, थोड़ी वो जो आपको भी पता है, थोड़ी फुहड़ता जो चीजें बीच में आ गई थी, और ओवरऑल देखिए भोजपुरी से वो कम होते जा रहा है, अपने आप नैसर्गिक कम होना ही है, नैसर्गिक तौर पे कम होगा। तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है जब नौकरी करते हो, तो आपको लगता है इसमें थोड़ी फर्क, कुछ आप हाथ जोड़ लो, क्योंकि उसे रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहे ना, वो अपने अपने पैशन के लिए कर रहे हैं। तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, अभी मैं बहुत खुशी खुशी कर पा रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी। थोड़ा सा स्ट्रेच होता है बट ठीक है ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, बड़े ही क्यूट से बॉय हमारे साथ बैठे हैं, अंशुमन। और अंशुमन के लिए लगातार लड़कियां कमेंट पे कमेंट कर रही है, लड़के भी पीछे नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों अब आपके मन वाली बात, आपके मन वाला सवाल अंशुमन के सामने दागते हैं, ठीक है? तो अंशुमन, दो बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री के साथ आपने अच्छा खासा समय बिताया सेट पर, ठीक है? मैं लड़वाने की बिल्कुल भी कोशिश में नहीं हूं, लेकिन कंफर्ट जोन की बात करें, मजा आ गया, अच्छा लगा। अक्षरा जी के साथ उतना ज्यादा सीखने मिला, मजा आ गया, या फिर स्मृति सिन्हा जी के साथ, या दोनों के लिए? अगर अगर आप एक एक आप कहते हैं कि आप कविताएं लिखते हैं, अगर आप कविता के जरिए अक्षरा जी तक आपकी बात पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, और स्मृति जी के लिए कुछ क्या कहना चाहें वो भी कह सकते हैं, स्टाइल तरीका देखिए आपका। देखिए मैं अक्षरा जी के लिए पहले बोलता हूँ, क्योंकि अक्षरा, मुझे लगता है कि अक्षरा ना बहुत, जो जितना मैं जानता हूँ, आप देखिए उनके शेरनी के तौर पे जानी जाती हैं, अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, कई चीजों के लिए, लेकिन मेरे लिए अक्षरा ना एक आइडियल लड़की है, जो कि उनका सुबह उठने से और देर रात सोने के बीच में एक ही चीज का होता है, काम। इस तरीके का पैशनेट लोग ना जहां भी रहेंगे वो हासिल ही करेंगे और अपने मुकाम तक जाएंगे और लोगों के लिए प्रेरणा ही रहेंगे। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, और मार्क करके रखिए, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब भी एक किताब आएगी उनके, उनपे, अक्षरा पे, और वो लाखों महिलाओं को इंस्पायर करेगी अभी की चीजों को छोड़ के, वो क्योंकि वो जिस तरीके से पैशनेट है काम को लेके, कोई भी, मैं लड़का लड़की के बियॉन्ड है, मैं और आप, हम सबको सीखना चाहिए उनसे। तो मैं तो उनके, ऑब्वियसली खूबसूरती है वो है जो मेहनत, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत की उनकी बात होनी चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट आता है मतलब। और खास करके अपने दोस्तों का रिस्पेक्ट करना, ये बहुत अच्छी चीज है, हमें करना चाहिए। और एक लेडी जब वो करती है ना, तो और अच्छा लगता है कि नहीं यार, ये बाउंड्री के बियॉन्ड जाने का डेयरिंग, वो नेचर तो एक तो अक्षरा में हो रहा है, स्मृति में उनमें ये रहा कि वो बहुत ओपन थी। लाइक जब मैं गया तब अक्षरा से मेरा क्या था कि अक्षरा को मैं पहले से जानता हूँ, अक्षरा मेरी फ्रेंड है, मैं पहले से जानता हूँ, तो कंफर्ट वैसा था। स्मृति को लेके था कि अच्छा, एक कहीं ना कहीं था कि ओके स्मृति सिन्हा है, तो एक थोड़ा सा था मुझे कि डाइसी था कि क्या होगा, बट डे वन से जो कुशनिंग उन्होंने दिया, हर सीन पे डिस्कशन करना एक बच्चे की तरह, जो एक जैसे हम लोग थिएटर जब करते थे, कोई नया अगर ज्वाइन कर रहा है तो आके जैसे पूछता, अच्छा ये कैसे, वो कैसे, तो स्मृति में वही बचपने वाला चीज था कि अच्छा ये सीन को ऐसे करते हैं, वो सीन को वैसे करते हैं, एक सेकेंड के लिए कभी नहीं लगा कि ये स्टार हैं या कुछ भी है, वो एक्टिंग की स्टूडेंट रही, और तो एक बहुत कंफर्ट हो गया, हर सीन डिस्कशन करते थे हम लोग, तो दोनों का मत, और खूबसूरती में मुझे बोलना नहीं है, तो बिल्कुल मैं आई फील फॉर्चुनेट कि इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतनी मेहनती लड़कियां, और दोनों स्टार, उनके साथ काम करना बिल्कुल ये सौभाग्य की बात है, बिल्कुल है।
ओके, आपसे काफी लोग जलस भी आ गए हैं कि एक लड़का नया नया आता है और दो खूबसूरत और स्टार एक्ट्रेसेस के साथ काम करता है। सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह भी उत्पन्न करता है। सवाल ये है कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है नॉर्मली सिंगरों की कंपनी मानी जाती है, आप इतिहास गवाह है कि एक दो नाम अगर छोड़ दें, रवि किशन जी और प्रदीप पांडे चिंटू जी आज के सुपरस्टार, ये दो नाम छोड़ दें तो बाकी जितने भी स्टार हैं वो सारे सिंगर ही हैं। तो आपसे सवाल है, आप नॉन सिंगर हैं, आपको लगता है आप सरवाइव कर ले जाएंगे और वहां तक पहुंच लेंगे जहां तक रवि किशन साहब पहुंचे हुए, क्योंकि आदर्श भी मानते हैं ना आप उनको, फेवरेट हैं आपके? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आदर्श फेवरेट से ज्यादा आदर्श हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने भोजपुरी को बहुत, कुछ लोग होते हैं जो आप इंडस्ट्री से आप लेते हो, कुछ लोग होते हैं जहां होते वो देते हैं। उन्होंने भोजपुरी को एक मुकाम दिया है। जब मनोज तिवारी, रवि किशन, शुरू में इन लोगों ने एक मिनट वापस भैया, एक भोजपुरी मिनट, को, आपको बताया दोस्तों, आपको बताया दोस्तों कि इस समय हमारे साथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर समर सिंह साहब भी लाइव पर आए, हमें देख रहे हैं। समर भैया की जय हो और समर बहुत खुश भैया, रहिए भैया, अच्छा लग रहा है समर भैया आपके भगवान वापस करुणा से। कराए। एकदम पावर पावर भैया, कैसा लग रहा है अंशुमन भैया? समर भाई का पावर है वापस से, एकदम हाँ वही वापस से बोला कि आए हैं। समर्थ भैया भगवान घमंड कराए। समर्थ भैया बिल्कुल, बहुत सीखा है मैंने समर्थ भैया से। मतलब मेरे लिए तो वर्कशॉप चलता था, एक्टिंग वर्कशॉप फ्री में, पैसा भी मिल रहा है फिल्म करने का और एक्टिंग का वर्कशॉप भी चल रहा वाकई में, और देखिए ना, एक से एक बढ़कर गाने भी आ रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए अंशुमन भाई, जो कुछ पिछला इतिहास गुजरा, जो कुछ भी वो क्या ही कहे, बस बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। इसी तरह आगे बढ़े, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, तो मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा, बिल्कुल। अंशुमन जी, आप थे रवि किशन साहब पे आदर्श। हाँ तो मैं, रवि भैया तो हमेशा से आदर्श रहे ना, क्योंकि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को दिया है। कुछ लोग होते हैं इंडस्ट्री से लेते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री को देते हैं, तो वो देने वालों में रहे। उन्होंने अपलिफ्ट किया है, अपने को प्रूफ किया और हर जगह किया है। रही बात सिंगर की, तो देखिए हमेशा जो लोकगीत होते हैं ना, लोकगीत हर तरीके से समाज को, उसकी जो बेसिक जो नेचर है, समाज की पहचान है, उसको जिंदा रखते हैं, इतिहास को जिंदा रखते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा जब लगभग खत्म हो गई थी, यही सिंगर लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को वापस लाया और एस्टेब्लिश कराया। तो पहली तो उनका, उनके सबके लिए, कुछ लोग हो सकते हैं कुछ के गानों को लेके कोई लोग क्रिटिसाइज कर दे, लेकिन आप इस चीज के लिए तो उनको आप वंदना करोगे, आप उनका, उनको सराहोगे कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को वापस खड़ा किया। कुछ कमियां आई तो कुछ कमियां अपने आप समय के साथ, जब एक समाज को लगता है कि इसमें कमी है, पता चल जाना चाहिए कि कमी है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और जो फेट है, वो डेस्टिनी है, वो आनी ही आनी है। तो सिनेमा अब जब इंटरनेट पे आ गया है, ओटीटी पे आ गया है, पूरी दुनिया देख रही है, तो कौन फिल्म मेकर होगा, कौन एक्टर होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं भी उस लेवल का फिल्म बनाऊं, वैसी फिल्में करूं जो कि दुनिया देख रही है। और जब ऐसा होगा, क्योंकि देखिए जो सिंगर का आना, क्योंकि ऑडियंस को लेके आते हैं। आप कुछ भी बोलिए, मैं अगर सिंगर होके आया होता तो मेरे अभी लाखों फॉलोअर मेरे साथ साथ आते, इसीलिए तो वो हिट होते हैं। लेकिन अब जब सिनेमा लवर्स जब सिनेमा को देख रहे हैं, अच्छे एक्टर आएंगे, तो ऑब्वियसली वो सिनेमा में योगदान होगा। और आज, और नॉन सिंगर सिंगर की बात नहीं है, एक सिंगर हो या नॉन सिंगर हो, अगर आप अच्छे एक्टर हो तो लोग आपको सराहेंगे, लोग देखेंगे, फिल्म में वजन आएगा। जब ऐसा होगा तो मेकर्स भी आपको लेंगे। तो मैं उनको शुक्रिया करते हुए, मैं अपने लिए बहुत आश्वस्त हूँ कि मैं मेहनत करूंगा तो बिल्कुल बिल्कुल टिके तो रहना है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, मैं यहाँ पराग पाटिल जी की बात करूँ, संघर्ष 2 लेकर के वो आए, चंदन उपाध्याय की बात करूँ, हर रंगे लेकर के आए, योगेश मिश्रा की बात करूँ, विद्यापीठ कल्लू जी की लेकर के आए, बहुत बड़ी बड़ी तमाम फिल्में आ रही हैं। तो अब आप कौन से डायरेक्टर के ऊपर नजरे गड़ाए बैठे हैं कि भैया इनके साथ एक आध फिल्म हो जाए तो थोड़ा बहुत है? नहीं मैं क्योंकि देखिए एक किसी का कैसे नाम ले सकते हो, मैं तो लाइन से, क्योंकि आप ये आप समझ रहे हैं, भोजपुरी डायरेक्टर का आप उनका लड़ाई आप समझेंगे ना, तो आप तो समझेंगे बिल्कुल, सॉरी। लेकिन भोजपुरी जो डायरेक्टर हैं वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई भी है। मैं इन्हीं में, मैं आप अनंजय भैया का नाम नहीं लिया आपने, तो आप ये सब लोग हैं, मैं क्यों नहीं, मैं तो सब, इसमें से कई लोग बड़े भाई हैं आप जिनके साथ जुड़ने का ख्वाहिश क्या, ये तो सपना है कि
कि उनसे जुड़ना और वो प्राइड का बात होगा, इसमें से मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। जिसके पास अच्छा लगे विषय हो और जिनको लगे कि उनके फिल्म में मैं रिलेवेंट हूँ, मैं हम और वो मिलके अच्छा काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल कोई एक नाम नहीं है, कोई एक नाम नहीं है। ओके, चूंकि स्पेशली इंडस्ट्री की बात हो रही हो, अभी भोजपुरी की पवन सिंह जी की बात ना हो, खेसारी लाल यादव जी की बात ना हो, और भी तमाम बहुत सारे एक्टर उनकी बात ना हो, आपको क्या लगता है, क्योंकि आसपास तो इनके ही भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है, कितना कुछ जानते हैं पवन जी के बारे में, खेसारी जी के बारे में? देखिए, मैं वही अभी बोला आपको कि ये लोग, ये दोनों लोग, अगर इन दोनों का भी आप नाम ले लीजिए, या दिनेश प्रिया है, आप किसी का इनमें नाम लीजिए, इन्होंने सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में अपना योगदान दिया है, इन्होंने सिनेमा का रीच बढ़ाया है। जब आप एक रीच पे पहुंच जाते हो ना, जहां आपको पता है कि बहुत इतने लोग अब जुड़ गए हैं, वहां से फिर आप शुरू करते हो, कैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो जो एक कंफर्ट जोन तक लाने का क्रेडिट आप इनको दोगे ही ना, वो इनसे कैसे आप ले सकते हो। इनमें कुछ लोग हो सकता है कि जो मेरे दायरे हो सकते हैं कि ये बातें मुझे पसंद है, ये बातें मुझे नहीं पसंद है, ये हो सकता है हर किसी का। आप देश के प्रधानमंत्री से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके कौन है जिसके पसंद ना पसंद दोनों नहीं है, वो तो होगा और रहेगा, लेकिन उनके योगदान को आप नकार नहीं सकते, तो इनके योगदान का तो कभी भी प्रणाम है। मिले मौका तो वो कौन सा स्टार है जिसके साथ आप तुरंत ही काम करने के लिए सबसे पहले रवि भैया के साथ एक प्रोजेक्ट मंगा दो, मैंने कुछ रोल कर लिया। रवि भैया भी भोजपुरी में कम ध्यान दे रहे हैं, जो थोड़ा बहुत एक्टिंग के लिए समय निकालते हैं वो वेब सीरीज और बॉलीवुड के लिए चला जा रहा है। तो स्पेशली अगर रवि जी के बाद कोई नाम अगर लेना चाहे, एक नाम मतलब एक पिक्चर से में मतलब वो है दिनेश लाल जी के साथ। क्या बात है, मजेदार। तो बड़ा मजा आ रहा है अंशुमन जी आपसे बात करके। अब ये बताएं, दो फिल्में तो आ चुकी हैं, वो कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपकी झोली में आ चुकी हैं, या फिर किस पर काम चल रहा है अभी? अभी नाम डिसाइडेड नहीं है, देव भैया की एक फिल्म है वो है, और एक हिंदी में एक फिल्म है, मतलब उसपे ऑलरेडी लगभग बात हो गई है, हिंदी में वेब सीरीज है, फिल्म नहीं है, वेब सीरीज है, उसपे हो रही है। अभी जैसे आपने बोला कि ये दो फिल्में हैं, मतलब देव भैया की फिल्म का मैंने तो हाँ मेरी तरफ से बोल दिया है, बट वो जनवरी में प्लेस वो शुरू होगा, और जो हिंदी वाला है वो शायद फरवरी में शुरू, तो एक हिंदी और एक भोजपुरी है। बिल्कुल, और तमाम प्रोड्यूसर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, जहां से काम निकलता है? बिल्कुल कहूंगा कि एक हमें उस दर्शक को भी, आप चाहे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, या हम एक्टर हैं, या जो भी लोग हैं, हमें वापस लाना है उस जनता को जो भोजपुरी तो है लेकिन भोजपुरी सिनेमा से दूर है। हमें इस बात का एक इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए भी कुछ फिल्में करनी है, और आप लोगों से निहोरा है कि वो फिल्म बनाई लो जो ना मैं जे भोजपुरी बोले वाले वजह से हम भी बानी ना, हम आधा टाइम तो अंग्रेजी बतिया होते रहनी ऑफिस में, तो जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो मेट्रोज में है लेकिन भोजपुरी है, वो भी भोजपुरी फिल्में एक प्राइड के साथ देखे, वैसन फिल्म बनाई लो। प्रोड्यूसर लोग से ये वो रिक्वेस्ट बा सबसे, तो उसमें वो दर्शक के भी ख्याल रखा जा। बिल्कुल, और ये लोग बहुत ही जानना चाहते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसे हम श्रेय देते हैं, वो तीन नाम अगर मैं जानना चाहूं आपको यहाँ लाने का श्रेय आप देना चाहें। तो मैंने पहले ही बोला अक्षरा जी हैं, देव भैया हैं, कुलदीप जी हैं, रत्नाकर जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, तो कोई एक नाम। अच्छा, लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। हाँ, लिस्ट काफी लंबी। ओके, आपने अब ये इंटरव्यू का यहाँ समापन है, लेकिन क्या है कि आपने बताया आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं कविताएं, थोड़ा मुझे भी कुछ सुनाइए, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए, ताकि हम आपके कविताओं के जरिए आपको करीब से जान सकें। एक मेरी कविता का एक लाइन है कि मेरे मिट जाने का इंतजार पल पल हो रहा था, एक तालाब दफन होकर दलदल हो रहा था। तो क्या बात है यार, क्या बात है, मजेदार मजेदार। आपको आपको सुनते सुनते मुझे पारितोष त्रिपाठी जी की भी याद आ रही है। पारिस तो त्रिपाठी जी भी बड़े ही अच्छे टीवी के स्टार हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत अच्छी उनकी कविताएं आती हैं। आपका आपकी आपके इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा उनके साथ की एक दो तस्वीरें हैं,
परी भाई है, मतलब हम लोग और ऐसे भाई बोलने के लिए नहीं है, तो परी भाई है परितोष, और हम लोगों के जुड़ने में ये भी है कि हम बहुत मिलते हैं, साथ बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो मोस्टली साहित्य के बारे में बात होती है, कविताओं के हो। परी की कविताओं में आप देखेंगे ना, जो आज का जो समाज है, जो यूथ है, उससे वो उनके इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं परी। और मैं ज्यादातर गांव के चीजों को रिप्रेजेंट करने का मेरा रहता है, तो हम दोनों मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। तो देखिए धनंजय भाई कास्टिंग करते हैं, और धनंजय भाई हिंदी के ज्यादातर कास्टिंग करते हैं, जुड़े हैं अभी इनका कमेंट, और ये भाई का भोजपुरी प्रेम मतलब सलाम है। तो अरे वाह ट्विंकल, शुक्रिया भाई ट्विंकल, शुक्रिया। तो परी और मैं, ट्विंकल हम जी लोग हैं, अगर काफी मैं, ट्विंकल जी हैं, काफी देर से आपको बहुत कुछ लिख रहे हैं। अभी लिखे हैं उन्होंने कि आपके लिखावट का काफी कायल हूं मैं। यही इन्हीं लोगों की हिम्मत से तो आपको लगता है ना कि आप आगे ये करोगे, बिल्कुल यही सराहना, यही जुड़ाव। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी का आपसे वैसा जुड़ाव फील हो जाता है कि आपको लगता है कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं मैं हूँ, इस बंदे में कहीं ना, जब वो कनेक्शन हो जाता है ना, तो वो दिव्य है, वो दिव्य है। तो ट्विंकल शुक्रिया भाई, शुभ किशन जुड़ गया, शुभ किशन मेरे साथ दोनों फिल्मों में है, भाई है, अरे वाह क्या बात है, भाई लोग जुड़ रहे हैं। तो धनंजय भाई, मैं वही बोल रहा था कि धनंजय भाई, देखिए धनंजय भाई सिनेमा के भोजपुरी प्रेम इनका बहुत बहुत वो है, तो अच्छा है। पीवीएन दिल्ली, अरे बंसल जी, पुनीत जी नमस्कार, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, दिल्ली के प्रोड्यूसर बन सकते हैं इनको, प्लीज बढ़िया बंसल जी जुड़िए। है, फिर तो बढ़िया है। फिर तो एक फिल्म आपको लेकर के बनानी चाहिए ही, कहानी वगैरह तो आपके पास रेडी पड़ी ही होगी। ए पीयूष कहाँ ले पहुंच ला, पीयूष भी जुड़ा है, भाई है पीयूष, मेरा भाई है, जुड़ा है, अच्छा, अरे ये भी वाह बड़ी मजेदार चीज है ना, इंस्टाग्राम लाइव भी काफी लोग जुड़ने लग जाते हैं, मिल भाई हो जाती है ना, अचानक आनन फानन में आना और लोगों से मिलकर जाना। हाँ, तो बिल्कुल, और ओके ये है सो बात है, पहुंचे हैं। आई थिंक अंजुमन जी आपका और भी एक लाइव है अभी। हाँ, जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, काफी समय आपने मुझे मेरे दर्शकों को दिया है, और इस इंटरव्यू के समापन में मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने लोग जो काफी देर से सुन रहे हैं, बाकी लोगों को तो जो भी कहना था कह दिया, दर्शकों के लिए क्या जो अब आपके धीरे धीरे फैन बन रहे हैं, धीरे धीरे आपको फॉलो कर रहे हैं, इतना कुछ लिख रहे हैं, इतनी देर से हमें सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत हार्दिक आभार, क्योंकि अभी एक शुरू में धर्म जी ने बात कहा था कि एक नॉन सिंगर हो, और आपको क्या लगता है आप कैसे टिकूंगा, मैं आप ही के भरोसे टिकूंगा, मैं तो ये भरोसा आप लोगों पे है, आप जुड़े रहे, और मैं पूरा मेहनत करूंगा, इसका तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मेहनत करूंगा कि आपको अच्छा लगे कि हाँ यार ये लड़का, इसकी मेहनत दिखती है, मैं मेहनत पे ही अपना भरोसा दिला सकता हूँ, और मुझे बस आप अपने प्यार पे भरोसा दिला दीजिए, बस यही बात बोलूंगा। बिल्कुल, तो दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आया अंशुमन मिश्रा जी से यहाँ बात करके, और आपके करियर के लिए आपको बहुत ही उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत ज्यादा बधाई अभी से। बड़े प्यारे इंसान हैं और मुझे लगता है कि आपके साथ तो गलत हो ही नहीं सकता है, हर कोई आपके साथ जुड़ेगा, काम करना चाहेगा। दर्शकों का आपका भी बहुत 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 बधाई भाई, इतनी देर से लगातार आपकी एक लाइन है, कौन लिखा है इन्होंने, निधि जी है, आपकी एक लाइन है, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दोगी क्या, वो लाइन एक बार बोलिए। अरे वाह, बिल्कुल, ये हाँ ये मेरी कविताएं हैं, तो वही ये कविताओं ने जोड़ के रखी है, खाली इसको ये बोल देता हूँ कि पिटारा तो अब निकल रहा है, पिटारा अब निकल रहा है भाई। अकेलेपन की दहलीज तक मेरे साथ चलोगी क्या, ये लाइन है जो ये बोल रही है उसी का है ये। कसम से कितना मस्त बोले गुरु, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है, सुनते जाओ सुनते जाओ। अकेलेपन एक बार और बोलिए ना, बहुत अच्छा है, इसको जरा रिकॉर्ड करके इंस्टा पे डालिए भाई, ये वायरल होने वाली लाइन है। क्या एक बार प्लीज बोलिए ना वापस से, क्या बोला आपने? अकेलेपन की दहलीज तक मेरे साथ चलोगी क्या, ये लाइन अकेलेपन जो की है दहलीज चल, भाई हाँ साहब, मुझे देखिए लगा वो ऐसा है, मैं कविता आपसे लिखना अभी का चाहिए। अभी परमिशन ले रहा हूँ कि ये लाइन जो है मैं कई जगहों पर चुरा कर चेपने वाला हूँ, ठीक है, और लोगों की वाह वाही लुटने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच अंशुमन जी, हमारे साथ इतनी ज्यादा बात करने के लिए, तमाम लोग भी इतनी देर से जुड़े, बहुत लोगों ने आपका सुना, एंड गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और दोस्तों आपसे ये वादा करते हुए इस लाइव वीडियो का समापन करते हैं, किसी तरह से हम
फिर एक बार अच्छे सेलिब्रिटी के साथ जुड़ेंगे, ढेरों बातचीत करेंगे। अच्छा, और ये जो हमारी बातचीत हुई है इसको एक बढ़िया न्यूज बनाकर हम यूट्यूब पे भी डालने वाले, लिंक जल्दी आपसे शेयर करते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। नमस्कार, हर हर महादेव।